अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। वो उस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलेबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। ये तो वक्त बताएगा कि शिकारी मैं हूं या तुम हो। खुश नसीब हो लेकिन तुम, जो शहजादे का दोस्त वो हमारा भी दोस्त। अर्तुरुल से मिले थे तुम? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा लेकिन मुलाकात ना हो पाई क्योंकि वो हिरासत में था। नासिर ने उसको पकड़ लिया है जिसने शहाबुद्दीन को फरार करवाया। कौन है वो बहादुर आदमी? काई कबीले के सरदार का बेटा और उसका नाम है अर्तुरुल। कितना जुल्म सहोगे अर्तुरुल, तुम गिड़गिड़ाओगे मौत के लिए लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। दुआन अर्तुरुल भाई, आइकस, मेरी आइकस, आइकस। बहुत मुबारक हो।
शहाबुद्दीन, अल्लाह का शुक्र है आप यहाँ हैं। आपको सही सलामत देखकर मुझे बहुत इत्मीनान हुआ है। मेरे आका, ये लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए और क्या चाहते हैं मुझसे ये लोग? आप तो कहीं कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आपको मैंने फंसाया है? मैं आपसे कैसे बगावत कर सकती हूँ? सही कहा, अब जाकर मुझ पर असल हकीकत आश्कार हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने धोखा दिया है तो मैं इल्तिजा करती हूं कि आप इसी वक्त मुझे मार दें, खत्म कर दें मेरा किस्सा और मौत के घाट उतार दें। तुम्हारी जिंदगी की कीमत मेरे नजदीक इस कालीन में लगे एक मामूली धागे से भी कम है। एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, ये आखिरी मौका है, सच बताओ। जबान नहीं खोली इसने अभी तक, इसे मरने मत देना। तुम लोग जाकर खाना खा लो, मैं जरा इस पर अपना हाथ साफ करता हूं। मरना नहीं है तुम्हें, अभी तो और मजे करने हैं। मैं भी तो जरा देखूं, इस कैद में तुम्हारे बदतरीन दिन गुजरेंगे। पानी के अंदर की दुनिया तुम्हें अच्छी लगी होगी, चलो तुम्हें सैर कराते हैं। तुम्हारे अलावा महल में और कौन कौन से सलीबी मौजूद हैं और उनके क्या क्या मकासद हैं हलब की सल्तनत के खिलाफ? मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? आप मेरा गला क्यों नहीं घोट देते? आपने मेरी वफादारी पर शक किया ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? गलत बयानी मत करो, सच बताओ मुझे। तुमने मेरे खिलाफ साजिश में क्या किरदार निभाया है आसमा? मैंने आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं की। मैंने काजी के दरबार में भी आपके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, जो देखा बस वही कहा। रहम करे मुझ पर, मेरे आका मेरे साथ गद्दारों वाला सलूक ना करे। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हलब शहर में और कौन कौन से सलीबी मौजूद हैं? तिजारत कैसी जा रही है अबू हशाम? अबू हशाम, मुझे तो बेसब्री से इंतजार है जब मेरी इस अजीब से हुलिये और इस नाम से जान छूटेगी। मगर तुम्हारे सवाल का जवाब है बहुत अच्छी नासिर। बहुत खूब।
वक्त के साथ साथ हलब में हमारे पास काने होंगी, कारखाने होंगे, जमीनों पर हमारी मिल्कियत होगी, हर वो चीज जो माली तौर पर फरोख्त हो सके। बस तुम देखते जाओ। जैसे जैसे अल अजीज की लालच बढ़ती जाएगी, हलब के मादनी खजाने एक एक करके हमारे कब्जे में होंगे। अमीर हमसे भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा, वो हमारे पैरों में पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी सल्तनत के हम मालिक होंगे। इस बात पे मैं तुम्हें एक और खुशखबरी सुनाता हूं। अर्तुरुल हमारे कब्जे में है। तुम उसको मेरे हवाले करोगे। मेरे प्यारे दोस्त, हौसला रखो, सब्र से काम लो। अर्तुरुल को गिरफ्तार करने का मकसद सिर्फ यह है कि शहाबुद्दीन हमारे जाल में फंस जाए, उसके बाद अर्तुरुल तुम्हारा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं बेटी? जी, तशरीफ लाइए। बैठ जाओ मेरी बच्चियों। मेरे बच्चों, मैं ये जानता हूं कि तुम लोग बहुत गमगीन हो। प्यारों की दूरी आंसुओं की सूरत में तुम्हारे चेहरों पर दिखाई दे रही है मुझे। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, लेकिन सच्चे ख्वाबों की ताबीर कुर्बानियों से मिलती है। किस कुर्बानी की बात कर रहे हैं आप? क्या अर्तुरुल और तुर्गुत मार दिए जाएंगे? अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद नरीना की ख्वाहिश थी। अल्लाह से उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे औलाद नरीना अता फरमा, तू मुझे अपने शुक्रगुजार बंदों में पाएगा। आखिरकार अल्लाह अज़्वजल ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में बेटा अता किया। फिर एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि वो ज़िबा कर रहे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को। उन्होंने वो ख्वाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुनाया तो उन्होंने फरमाया कि आप वही करें जो आपको हुक्म मिला है, और फरमाया, गम ना करें बाबा, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इस ख्वाब को पूरा करें। अगरचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल बहुत गमगीन था और वो तकलीफ में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह के कुर्ब की खातिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया। ऐन कुर्बानी के वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और फरमाया कि अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल फरमा ली और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटियों, यह हकीकत है, बहादुर वही है जो अल्लाह से किए वादे पर पूरा उतरे और कुर्बानी से दरेग न करे उसकी राह में। अर्तुरुल और उसके साथियों ने उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी का ख्वाब देखा है और इस सरबुलंदी को हासिल करने के लिए वो हर तरह की कुर्बानी के लिए हम वक्त तैयार हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह रहमान और रहीम है, वो अपने जानिसारों की गैब से मदद फरमाता है। तुमने तो हमें परेशान कर दिया था हलीमा।
माफी चाहती हूँ, मैंने आपको परेशान कर दिया। बस अचानक से दर्द उठा था। ठीक हो अब तुम? जी अब काफी बेहतर हूं। तुम्हारे बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं। रुको, उन्हें यहां बुला लेते हैं। आयजान अंदर बुला ले उन्हें। मैं भी आती हूं कुछ देर में। आ जाए नुमान अफंदी। मेरी बच्ची। खुदा का शुक्र है बाबा। बाबा कहो क्या हुआ? मुझे सब मालूम हो गया है। अर्तुरुल गिरफ्तार हो गए बाबा। पहले ये की तरफ अर्तुरुल हमारी कब जान छूटेगी इन मुसीबतों से बाबा? हिम्मत ना हारना। सुल्तान मुअज्जम ने आपको याद फरमाया है। अपना ख्याल रखना। अमीर आली मकाम, आप हलब के आसमां पर चमकते सूरज की तरह तुलू हुए हैं जबकि पूरी इस्लामी दुनिया तारीकी में डूबी हुई थी। शुक्र है उस खुदा का, आप उम्मीद की एक रोशन किरण हैं तमाम मजलूमों के लिए और इस शहर के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही अमीर मौसम। खुशामदीद। आइए आ जाइए आप। तुम जानते हो ना ये कैदी हमारे लिए कितने कीमती है। टाइटोस, याद रखना इस दुनिया में सब कुछ चलता रहेगा। शायद सबको माफी भी मिल जाए लेकिन मैं कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। मैं कभी भी नहीं भूलूंगा तुम्हारे ये जुल्म और सितम। तुम खूनी हो, कातिल हो तुम। मैं आपको हलब के दो बहुत ही मोहतबर लोगों से मिलवाना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम कुरदुकलो। अरे माशाल्लाह, आपको देखकर तो मेरी सारी थकन उतर गई बाबा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बे करीम ने बड़ा करम किया। और जब से मैंने अपने पोते की खुशखबरी सुनी है मैं कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगा हूँ। एक और महज हमारा मुंतजर है सरदार। रहमान ने बता दिया है। मैं अल्लाह मददगार है। आपने क्या सोचा फिर, क्या करना चाहिए हमें इस वक्त? हम सीधा रास्ता इख्तियार करेंगे कुरदुकलू। इस मामले को हम किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर हल करेंगे। किस वजह से गिरफ्तार किया उन्होंने अर्तुरुल को? ये सब सलेबियों की साजिश है। उन्होंने हर जगह फसाद मचा रखा है। तो फिर हम भी तैयार हैं उन पर कहर बनकर टूटने के लिए। इन्हीं सलेबियों की वजह से हमारा घर बार तक छूट गया और हमारे बहुत से सिपाही भी शहीद कर दिए गए। अब इनसे हिसाब चुकता करने का वक्त आन पहुंचा है। ताहम्मुल गुंदुगदू, काफले के बहुत से लोग अभी रस्ते में
और इस वक्त हम खतरा मोल नहीं ले सकते। मैंने तो पहले ही कहा था कि अलब में हमारी मौत है। घबराओ मत कुर्दोगलो, अल्लाह बड़ा कारसाज है, उसके हाथ देर है अंधेर नहीं। अब मेरी बात गौर से सुनो नुमान अफंदी, मैं आपको अपने एक और बेहतरीन दोस्त से। दरवाजा खोलो। अमीर अली कदर, ये कैसी गुस्ताखी है, तुम बिना इजाजत अंदर कैसे आए? नासिर, इस गुस्ताख को सख्त सजा देकर इसकी औकात याद दिलाई जाए। बिल्कुल जनाब। अमीर अली मकाम, कमांडर नासिर ने एक बहुत ही नाजुक मामले की तहकीकात का हुक्म दिया था मुझे, तफसीलात से आगाह करना बहुत जरूरी था, इसलिए गुस्ताखी हो गई। आपके हुक्म के मुताबिक महल का कोना कोना छान मारा है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपकी कनीज अस्मा महल से अगवा हो गई है। क्या कहा तुमने? नासिर, अभी इसी वक्त जाओ और हलब शहर के तलाशी लो एक एक घर की। मुझे हर हाल में अस्मा वापस चाहिए महल में, समझ गए? जाओ उसे लेकर आओ। कल हम हलब की तरफ जाएंगे। हलब या तो हमारे लिए वतन साबित होगा या फिर वहां हमारी कब्रें बनेगी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। और अर्तुरल? हम नहीं जानते कि उसे क्यों सजा मिली। हिकमत अमली हालात और वाकयात देखकर बनाएंगे। गुंदोगदू, तुम्हें पहाड़ों की तरफ जाना है जहां कबीले को ठहराना है। एक तरफ कबीले को आबाद करेंगे और दूसरी तरफ हम जंग करने की तैयारी करेंगे। दिली दमीर, सबसे कहो कि जंग की तैयारी करें। जो आपका हुक्म सरदार। अगर अफ्तारिया ने जबान खोल दी तो क्या करेंगे हम लोग नासिर? तुम अफ्तारिया को नहीं जानते टाइटस। वो किसी भी हाल में अपने मकसद से नहीं हटेगी, मैं जानता हूं उसे, यकीन रखो तुम। मुझे हैरत है कि तुमने अब तक नहीं सीखा कि कुछ इंसानों पर यकीन नहीं किया जा सकता। नासिर, हम बहुत मुश्किल में आ सकते हैं। तुम्हें जो करना पड़े करो, लेकिन अफ्तारिया को ढूंढ कर वापस लाओ यहां पर, जिंदा या मुर्दा। महल के अंदर से ही उसे अगवा किया गया है ना? हाँ, ऐसा कोई वाकया याद आ रहा है जिस पर तुम्हें शक हुआ हो? जोर डालो दिमाग पर। शक नहीं, और अर्तुरुल हमारी हिरासत में है और उसके बाद महल के तमाम मामला बखूबी चल रहे हैं। और नासिर उससे पहले? रुको, कहां ले जा रहे हो ये कालीन? दरअसल अमीर अल अजीज और लैला सुल्तान की आया उम्मुल हैर खातून ने हरम के कालीन बदलने का हुक्म दिया था। मुहाफिजो, उम्मुल हायर को बुला के लाओ। उनको अस्मा के अगवा होने का पता चल गया होगा, पूरे महल में ढूंढा जा रहा होगा इसे। अर्तुरुल पे जिंदान में बहुत जुल्म कर रहे हैं वो लोग। क्या कर रहे हो? हम उन लोगों में से नहीं जो औरतों पर जुल्म करते हैं, और कोई मकसद नहीं है हमारा इंसाफ की बालादस्ती के सिवा।
एक बात और भी है। दरगाह में तुम्हारे कबीले के कुछ लोग ठहरे हुए हैं, दो लड़कियां और एक बूढ़ा आदमी है, और वो किताब फरोश से अर्तुरुल के बारे में पूछ रहे थे। मैं चलता हूं अब। नासिर, मैंने कहा था कि कारा तोयगर नहीं बनना। लगता है मेरी बात समझ नहीं आई तुम्हें। उम्मीद करता हूं तुम हालात संभाल लो उससे पहले देर हो जाए। अब मुझे इजाजत दीजिए सलार नासिर। मुझे यहां पर क्यों बुलाया है नासिर? अब तुम मुझसे सवाल करोगे? ऐसा कुछ भी नहीं उम्मुल हायर खानम, आप इस महल की सबसे मौतबर शख्सियत हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे जहन में कुछ मामलात थे जिनके बारे में आपसे मशवरा करना चाहता था। कहो, मैं सुन रही हूं। कुछ दिनों पहले आपने पुराने कालीन गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करने के लिए दिए थे कुछ खादिमों को, याद है? हम हमेशा से ही महल का पुराना सामान गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करते हैं, लेकिन काफी वक्त से ये कार्य खैर नहीं किया। और आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं तो हमेशा से बिना किसी दिखावे के ये काम करती हूँ। आपको तो सब जानते हैं, इस हलब शहर में आपका मकाम किसी से ढका छुपा नहीं है। हलब के फुकरा के लिए मसीहा हैं आप। जहमत के लिए माजर चाहता हूं, मैं जा सकती हूं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मुहाफिज, सिपाहियों को तैयार करो जल्दी। आपने आखिर गोगचे को वहां क्यों जाने दिया, जबकि आप जानती हैं कि वहां अर्तुरुल भी कैद में है और उसके साथी भी उसको ना बचा सके। सलजान, गोगचे अपनी मर्जी से गई है। क्या तुम भूल गई कि हमारे कबीले की औरतें हर मुश्किल से निमटना जानती हैं? घबराओ मत, उन्हें कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उन्हें दिल्ली तमीर बिना हिफाजत के छोड़कर नहीं आ सकता कभी भी। हाय मैं खानम, गोगचे ही मेरा आखिरी सहारा है। बस कुछ हो गया उसे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। डरो मत सलजान, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ गोगचे खैरियत से वापस आएगी। यकीन है ना मुझ पर? बेफिक्र हो जाओ। शहाबुद्दीन भाई, आप इस जांबाज के जरिए पैगाम पहुंचा सकते हैं। यह आपका पैगाम आगे पहुंचाने के बाद भूल जाएगा उसे। महल में कुछ आदमी मेरे भरोसे के हैं, तुम जाकर उन्हें हमारे ठिकाने का बताओ और उनसे कहो कि अर्तुरुल तक ये बात किसी भी तरह पहुंचा दें।
आगे वो खुद संभाल लेगा। चलो जवानों, देर मत करो। या अल्लाह, रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? हमें फौरन निकलना है, महाफिज की वर्दी पहन लो, जल्दी करो। क्या ले जा रहे हो उसमें? नीचे रखो इसे। सुना नहीं तुमने? जनाब आप चले जाएं, मेरी बात माने, आप चले जाएं, हम संभाल लेंगे। जाइए, आप लोग चले जाएं, हम संभाल लेंगे इसे। जाएं, जल्दी करें। जल्दी आ जाओ, यहां अंदर छुप जाओ।
भाग गया। मुहाफिज़ो, पीछा करो उसका। वो इस महल से बाहर ना जाने पाए, वरना तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। पीछा करो। हलीमा, शहजादी लैला को देखा है तुमने? मैंने उनको सुबह से नहीं देखा। कहाँ चली गई ये लड़की? यहां आओ सब। शहजादी अपने कमरे में नहीं है। पूरे महल में तलाश करो और मुझे बताओ कि शहजादी कहाँ है। जो आपका हुक्म। आप उनके लिए इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हैं? अमीर अल अजीज को अपनी बहन बहुत ज्यादा अजीज है। वो उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं। क्या जवाब दूंगी मैं उनको? अब आपको अकेले जाना होगा। वहां से सीधा जाएंगे तो नासिर का कमरा नजर आ जाएगा आपको। अपना ख्याल रखिएगा आप। अल्लाह हिफाजत में रखे आपको। आई कुतलुक ने सही बताया था, तुम बहादुर हो बहुत। ये मेरा फर्ज था। किसी काम के नहीं हो तुम लोग, दफा हो जाओ यहां से। जनाब, आपके कमरे के पास दो मुहाफिज मुर्दा मिले हैं। दफा हो जाओ और उस आदमी को ढूंढ कर लाओ। शिकार करने आए थे। क्या चाहते हो अर्तुरुल? ये मकरूह चेहरा पूरे हलब को दिखाना चाहता हूं मैं। फिर तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, इतना आसान होता मुझे मारना तो तुम्हारे सिपाही मार चुके होते। चेहरा देखो अपना नासिर, ये किसी जंगजू का चेहरा नहीं। रंग उड़ गया है मौत के खौफ से, बिल्कुल कफन की तरह सफेद पड़ गए हो तुम। तुम्हारा दुश्मन बहुत ताकतवर है, ये बात याद रखना अर्तुरुल। मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीले को खत्म कर दूंगा। मैं अपनी मौत से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हूं। यही फर्क है मुझ में और अलजीज में कि उसे अपनी बातों से आज तक डराते आए हो तुम, लेकिन ये हथकंडे मुझ पर नहीं चलेंगे। तुम्हारे कितने साथी इन हाथों से जहन्नुम रसीद हो गए याद भी नहीं मुझे। तुम्हारी जगह भी वही है नासिर, या अभी या कुछ अरसे बाद। इंतजार करो अपनी बारी का। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो तुम जिसकी वजह से ये सब झेल रहे हो, तो याद रखना वो शहजादे की बेटी हलीमा। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है अर्तुरुल, सब जानता हूं मैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो शहजादे की बेटी हलीमा
उसका भाई अकित और तुम्हारा तुर्कुत भी इन सब की मौत के तुम जिम्मेदार होगे। मैंने सारा इंतजाम पहले ही किया हुआ है अर्तुरुल। महल में बहुत से ऐसे आदमी मौजूद हैं जो वो कर सकते हैं जो टाइटस का तीर नहीं कर पाया था। जो भी करना सोच समझ के करना। क्या हुआ अर्तुरुल? मुझे ठिकाने लगाने का इरादा बदल दिया? मार दो मुझे, किस बात का इंतजार है? मुझे मारते क्यों नहीं अर्तुरुल? तुम्हारी असलियत का पर्दाफाश करना है अभी मुझे, और जिसके तुम मोहरे हो वो भी नहीं बचेगा। और मेरा वादा है तुमसे, जल्द ही तुम्हें भी जहन्नुम रसीद करूंगा मैं नासिर। बिल्कुल महफूज हैं आप यहाँ, इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। इज़ादोरा नाम की किसी लड़की को जानता है? अगर तुम इसका जवाब लेकर आ गए तो अपनी जान पर भी खेलकर तुम्हें आजादी दिलवाऊंगी। अर्तुरुल? हलीमा। वहां हमारा कबीला आबाद होगा और यहाँ ये शहर बर्बाद होगा, हलब तबाह हो जाएगा।